द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। नौतनवा में हो रहे रामलीला अपने समापन की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस बार की रामलीला के मंचन व व्यवस्था की तारीफ पर तरफ हो रही, यहां तक कि रामलीला देखने वाले भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है कि खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। रामलीला के प्रथम व्यवस्थापक कमेटी से अलग नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के हाथों सम्मानित होने पर अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए भरे मन से जय श्री राम का ओजस्वीपूर्ण नारा लगाते हुए कहा कि आप सभी लोगों ने जिस कार्य के लिए हमें यह सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और आज मैं ऐलान करता हूं कि अगर रामलीला कमेटी मुझे अगले वर्ष भी रामलीला कराने की जिम्मेदारी सौंपती है तो प्रभु श्री राम का इससे भी भव्य मंचन होगा। इस कार्यक्रम में बंटी पांडे, शाहनवाज खान, वसीम खान, अजय दुबे, राजेंद्र जायसवाल, राजकुमार अग्रहरी, राजकुमार कौर, बबू मुलारी, अशोक कुमार, प्रमोद पाठक, सदाब अंसारी, पवन पांडे, नितेश मद्देसिया, अनुज राय, मोहम्मद जावेद, मुकेश कुमार आदि के अलावा रामलीला कमेटी के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। नौतनवा के व्यापार मंडल आदरणीय रक्षक जो है आपका भी स्वागत किया जाए। इस वर्ष में हम चाहेंगे इसी का आदरणीय मंत्री प्रसाद रहेंगे, आदरणीय कांग्रेस अग्रवाल चंद्र आपके बीच में आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में रोहन सभासद गुड्डू खान जी का सहयोग रहा है रामलीला कमेटी को कराने में। ज्ञान जो हुआ और पहली बार जो उन्होंने कहा कि जो है मानव जीवन दुख है, और फिर बोला कि दुख का कारण है, और फिर बोला उसका निवारण भी है। रामलीला में हमारे आदरणीय बड़े भाई राधेश्याम सिंह आए थे कि हम अपने बहनों के लिए बैठे की कुर्सी लगाएंगे, उनके लिए टेंट लगाएंगे, उनके लिए लाइटिंग करेंगे, हम थोड़ा बहुत कर पाए हैं। लेकिन लालमंद जायसवाल जी राधेश्याम सिंह जी के सहयोग से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले वर्ष रामलीला इससे खुद होगी, और सारे लोग के सहयोग के बदौलत, सारे लोग के आशीर्वाद और प्यार के बदौलत हम इससे भर कराएंगे। अपनी बहनों की व्यवस्था अलग, बैठने के लिए बैरिकेडिंग कराई जाएगी। आज जो हमारी बहनें खड़ी है, हम कुर्सी लगाए थे लेकिन कुर्सी पर लोग आज नहीं पाए, फिर अधिक हो गई। अब हम बैरिकेडिंग लगा के अपनी बहनों को, अपनी माताओं को बैठाने के लिए उचित व्यवस्था कराऊंगा, और ईश्वर से यह कामना करते हैं कि अगर हम लोग सब लोग सही सलामत रहे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहे, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद रहे, तो इसके डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।